कुत्ते और इंसान में क्या फ़र्क है? कुत्ता वफादार है और इंसान के गर्ज। रुक लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। बल्कि हमारे वक्त के कुत्ते तो बे इंतहा डोमेस्टिकेशन की वजह से अपनी जिंदगी का अंसर भी खो गए। क्योंकि इंसान ने बड़ी चालाकी से उस दरिंदगी का गला घोट कर खुद नोश फरमा लिया। अब इसे कुत्ते की समझदारी कहिए या इंसान की बेवकूफ़ी, बेहतर मुनसिफ आप। लेकिन एक बात की दाद देना बनती है, इतने तारीखी सफर के बावजूद भी इंसान अपनी खुदगर्जी नहीं भूला और कुत्ता अपनी वफादारी। यहाँ पर इंसानी सोच जैसा शाहकार अपना अमल दखल जाहिर करता है, क्योंकि कुत्ता तो सोच से आ रही है, लेकिन इंसान ने सोच समझकर अपनी खुदगर्जी को कई सतहों में छुपाकर नित नई शक्लों में तब्दील कर दिया। ये शक्ल मज़हब इखलाकियात सोफिस्टिकेशन मॉरल्स कई किस्म के नाम देती है। अब इंसान इस गर्जी को कभी दरिंदगी में तब्दील कर लेता है और कभी मज़हब और इखलाकियात का मुकुट पहन कर नित नई शक्लों में तब्दील कर लेता है। इतनी लंबी तमहीद का मकसद आपको बोर करना नहीं था, क्योंकि ये था कि आप और मैं बारीक बीनी से इस खुदगर्जी का रोज़ जायज़ा लेते हैं। तो क्यों ना ये सतहें बारी बारी उतारी जाएं इंसान की शक्ल से और इस खुदगर्जी को खाम शक्ल में सामने लाया जाए। तो मैं भी इसी खुदगर्जी को आपके सामने खाम सूरत में पेश करना चाहूँगा। पूरी दुनिया को देवनी चाहिए या अपने मुल्क को पहले देवनी चाहिए? पहले सिर्फ अपने मुल्क को देवनी चाहिए। फादी तू दस क्या आना? हर तरह फैलाई वाले काम पूरी दुनिया को, क्योंकि सारे वर्ल्ड तो चार बार साथ चुके हैं। यू के अंदर उन्होंने हर जगह उन्होंने यू के अंदर 50 मिलियन लोग ला चुके हैं वैक्सीन। सही है, मेरा नंबर आ गया जुलाई के महीने अंदर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सही है, जो मैं आग सिस्टम देना जुलाई के महीने में इसी वैक्सीन मिल चुकी। लेकिन मैं को नुकसान किया, सारे उत्तर में चार हमारे साथ चुके हैं, साउथ अफ्रीकन वायरस, ब्राजीलियन वायरस, चाइनीज वायरस, यूके का वायरस है। मैं सुने आधे बैंक के काफ़ी स्ट्रेन्स आ चुके हैं वायरस ही, जेडे मेरे को पता लगे ना एन 121 स्ट्रेन्स आ चुके हैं, जेडी वैक्सीन बढ़ी हुई है वो बढ़ी हुई 21 स्ट्रेन्स दी बढ़ी हुई है। तो बकाया सो दी स्ट्रेन्स का क्या बोलते हैं? जेडी स्ट्रेन और वैक्सीन तो लेवे ने पेन वो सिर्फ प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट 21 स्ट्रेन्स।
Vaccine nationalism puts lives at risk. Only putting America first, just as you should be putting your countries first. हर तरह के दिमागी तखय्युलात अपनी अहमियत खो देते हैं अगर उन पर तहकीक और गौर फिक्र करके कुछ सैर हासिल मालूमात ना निकाल ली जाए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। वैक्सीन नेशनलिज्म आखिर है क्या? जब ज़्यादा वसाइल रखने वाले ममालिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन की एक बड़ी खेप तक रसाई हासिल कर लें और कम वसाइल रखने वाले ममालिक के लिए वैक्सीन तक रसाई मुश्किल हो जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक की ये नेशनलिस्टिक अप्रोच वैक्सीन नेशनलिज्म कहलाती है, जिसमें ज़ाती मफाद को बैन अल-अक़वामी फलाह व बहबूद पर तरजीह दी जाती है। वैक्सीन नेशनलिज्म और इस खुदगर्जी को समझने के लिए तारीख पर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। 90 की दिहाई के वस्त में HIV और एड्स के खिलाफ मौसर इलाज ART या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दरियाफ्त हो चुका था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक बैन अल-अक़वामी मौसर हिकमत अमली से लाखों लोगों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। तकरीबन एक दिहाई तक इस इलाज से पूरी दुनिया में मिलियंस की तादाद में लोगों का इलाज हुआ, बल्कि वो लोग जो कि HIV की आखिरी स्टेजेस पर थे हफ्तों में सेहतयाब होने लगे। इखलाकी तौर पर इस इलाज तक बैन अल-अक़वामी रसाई मुमकिन बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक की खुदगर्जी, जुग्राफियाई हालात और अंदरूनी और बैरूनी सियासत की वजह से गरीब ममालिक की इस इलाज तक रसाई नामुमकिन रही, जिसकी वजह से बरे आज़म अफ्रीका के कई ममालिक के हेल्थ केयर सिस्टम्स पर HIV और एड्स गालिब आ चुके थे और नतीजतन 2004-05 में HIV की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ हुई। सादा अल्फाज में कहा जाए तो हमारे पास HIV का इलाज 15 साल से मौजूद था, लेकिन इंटरनेशनल विल की गैर मौजूदगी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से साल 2019 में 17 लाख केसेस सामने आए, जिसमें से 10 लाख लोगों का ताल्लुक बरे आज़म अफ्रीका से था और शुमाली यूरोप और अमेरिका से 65,000 केसेस सामने आए, जबकि इस सारी सूरत हाल पर बहुत पहले ही काबू पाया जा सकता था। कोरोना वायरस से लड़ते हुए अब तकरीबन 1 साल बाद बहुत से ममालिक इसके खिलाफ अपनी फतह का ऐलान करने वाले हैं। इन ममालिक में चीन, रूस और बरतानिया सर फहरिस्त हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तो अपने मुल्क में होने वाली इम्यूनाइजेशन ड्राइव के इफ्तिताही दिन को वी डे का नाम दिया है, जो कि दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में बरतानिया की फतह के दिन से याद किया जाता है। चीन और रूस ने भी स्टेट बैक वैक्सीन्स के अपने अपने ममालिक में इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, हत्ता कि दुनिया के दौलतमंद ममालिक वैक्सीन आने से पहले ही इसकी अरबों डोजेस रिजर्व करा चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक हाई और अपर मिडिल इनकम वाले ममालिक तकरीबन 5 अरब डोजेस रिजर्व करा चुके हैं। ये डोजेस इन ममालिक और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की दो तरफा डील्स का नतीजा है। इन्हें एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स कहा जाता है, जिनमें किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल की सूरत में गवर्नमेंट्स तरजीही बुनियादों पर इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से डोजेस खरीदने के लिए कमिट करती हैं। अमरीका मिसाल के तौर पर इस तरह की 6 डील्स का हिस्सा है और तकरीबन 1 अरब वैक्सीन डोजेज रिजर्व करा चुका है, जो कि इसकी आबादी के दुगने से भी ज़्यादा है। इसी तरह बरतानिया, कनाडा और यूरोप के कई ममालिक इस तरह की 7 डील्स का हिस्सा हैं और अपनी आबादी के तनासुब से कई गुना ज़्यादा वैक्सीन डोजेज रिजर्व करा चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपने मुल्क के अवाम तक वैक्सीन की सबसे पहले फ्राहमी में क्या बुराई है। मसला ये है कि अभी वैक्सीन उस हद तक प्रोड्यूस ही नहीं हुई कि ग्लोबल डिमांड को मैच किया जा सके, और एक अंदाजे के मुताबिक ग्लोबल डिमांड को मैच करने के लिए अभी हमें कई साल लगेंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की पहले आओ पहले पाओ की इस पॉलिसी से पैदा होने वाली ये डिस्पैरिटी दुनिया के कई ममालिक के हेल्थ केयर सिस्टम्स में शदीद अदम मसावात का बाइस बनेगी। युगर साहिन, जो कि एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के CEO और को फाउंडर हैं, के मुताबिक फाइजर और BioNTech सबसे पहले उन ममालिक को तरजीह देंगे जहाँ पर उनकी वैक्सीन रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल कर चुकी है, जैसा कि बरतानिया। इसके अलावा एक और कंपनी मोडर्ना ने US मार्केट को तरजीह दी है। इसी तरह AstraZeneca के तर्जुमान के मुताबिक उनकी तरजीहात में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की वजह से बरतानिया सर फहरिस्त है। फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी, जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन के इब्तदाई मराहिल में है, ने अमेरिका की इब्तदाई सरमायाकारी की वजह से अमेरिकी मार्केट को वैक्सीन की फ्राहमी का वादा किया है, लेकिन फ्रांस में रिएक्शन की वजह से उन्हें अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। एक और फैक्टर जो कि वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स की हौसला शिकनी करता है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। बैन अल-अक़वामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक वैक्सीन नेशनलिज्म से दुनिया को हर साल
तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक अगर कुछ ममालिक अपनी आबादी को कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इम्यूनाइज़ करने में कामयाब हो भी जाएं, तो जब तक वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म ना कर दिया जाए तब तक किसी भी तरह की कामयाबी का ऐलान करना नामुमकिन है, क्योंकि वायरस की नई स्ट्रेन्स का ज़हूर और इससे मुतसिल बैनुल अक्वामी मुआशी कॉस्ट का ख़तरा यूं ही मंडलाता रहेगा। रैंड के मुताबिक अगर इन ममालिक की कौम परस्त अप्रोच नागुज़ीर भी हो तो फिर भी पूरी दुनिया तक वैक्सीन की मसावी फ्राहमी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर कम इनकम रखने वाले ममालिक तक वैक्सीन की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए तो पूरी दुनिया को तकरीबन 25 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अगर ये तकसीम गैर मसावी हो तो सिर्फ अमरीका, बरतानिया और यूरोप को सालाना 119 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ममालिक की अंदरूनी और बैरूनी सियासी सूरत हाल और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात ने भी वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे तसव्वुरात को बढ़ावा दिया है। मसलन नई हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ की तायुनाती के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय अकवाम ने तकरीबन 8 बिलियन डॉलर मुख्तस किए, लेकिन अमरीका, रूस और भारत ने इस इनिशिएटिव में शिरकत से लातालुकी का इजहार किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी वैक्सीन बरामद करने से पहले मुल्क की ज़रूरियात को तरजीह देने का ऐलान किया है। इससे पहले भारत अपने देरीना कशीदा ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर बाकी हमसाया ममालिक को मुफ्त वैक्सीन फ्राहमी का ऐलान कर चुका है। अमरीका, रूस और चीन भी अपने अपने ममालिक और इत्तेहादियों तक ही वैक्सीन की फ्राहमी के कायल हैं। अब सारी सूरत हाल और माजी के तजुर्बात हमारे सामने हैं, तो क्या हम इनसे सबक सीखेंगे और अपने ज़ाती मफाद की बजाय बैनुल अक्वामी मफाद के बारे में सोचेंगे? बेहतर मुनसिफ आप हैं।